Hello friends, I am your acupuncturist Abid Khan. Today I am going to talk about acupressure points about for heart problem. आजकल heart problems बहुत rise पर हैं. हमारा जो रहने का रहन सहन का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो चुका है. हमारा डेली रूटीन जो है वो गड़बड़ा चुका है. उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं. हद यह है कि यंग पीपल में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं. आखिर ये हार्ट प्रॉब्लम होती क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे जो बेसिक रीज़न है हमारा जो डेली रूटीन है, हमारे जो रोज़ की लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसका जो रूटीन है वो गड़बड़ाने की वजह से हार्ट पर इफेक्ट आता है. टाइम पर ना सोना ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है. टाइम पर खाना ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, अल्कोहल लेना, जंक फूड खाना, फल फ्रूट या सब्जियां नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हार्ट पर असर डालती हैं. उसके अलावा डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ें भी, ये दोनों चीज़ें भी आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं. अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, या हार्ट की कोई भी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें. एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर ये क्लेम नहीं करते कि हार्ट ब्लॉकेज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करने से ठीक हो जाए. बट हाँ, अगर आप जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन्हें डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो आपका हार्ट फंक्शन जरूर बेटर होगा, आप बेटर लाइफ जी सकेंगे. तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें. सबसे पहले जो है, आप अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, एवरीडे लाइफ का रूटीन है, उसको सेट कीजिए. टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, टाइम पर खाना खाएं, कम से कम 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फल फ्रूट सब्जियां खाएं, जंक फूड से दूर रहें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें. ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं करते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है. ज़्यादा स्ट्रेस से बचें. उसके अलावा ये तीन एक ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस में, जो आप डेली बेसिस पे प्रेस कर सकते हैं. ये पॉइंट्स आपके हार्ट फंक्शन को हेल्दी रख सकते हैं. हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती है उसके साथ जो सिम्टम्स होते हैं, एंजाइना हो गया, हार्ट में पेन हो गया, सांस फूलना हो गया, इन सारी चीज़ों को, सिम्टम्स को भी ये चीज़ कंट्रोल करती है. तो आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हार्ट फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए. सबसे पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है हार्ट 7. हार्ट 7 यहाँ पर आता है, ये जो आपकी रिस्ट क्रीज है इसके लेटरल साइड पे, ये हार्ट 7, ये दोनों साइड पर होता है. आप ये जिन्हें भी यूज़ कर सकते हैं प्रेस करने के लिए, और अपने उंगलियों से भी प्रेशर दे सकते हैं. 1 मिनट रोज आपको इस पर प्रेशर देना है. तो ये है हार्ट 7. ये एक सेडेशन पॉइंट भी है, ये आपके माइंड को काम भी रखता है, हार्ट की जो क्या कहते हैं गति है उसको भी काबू में रखता है. ज़्यादा पैल्पिटेशंस हों उस चीज़ को भी काबू रखता है, एंग्जाइटी को भी काबू में रखता है. दूसरा पॉइंट ये है, ये भी हार्ट चैनल का एक पॉइंट है, इसको भी आप रोज प्रेस कर सकते हैं, ये भी दोनों तरफ है. दूसरा पॉइंट ये है. तीसरा पॉइंट है पेरिकार्डियम 6. पेरिकार्डियम 6 को नापने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे 3 उंगलियाँ रखे रिस्ट क्रीज पे, और 3 उंगलियों के नीचे ये जो पॉइंट आता है ये पेरिकार्डियम 6, ये भी दोनों साइड पर है, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं. तो ये पॉइंट है हार्ट फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए. मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाएं. थैंक यू वेरी मच. तो प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करने से पहले कुछ बातों का ध्यान है आपको रखना बहुत जरूरी है. बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाएं ये पॉइंट्स बिल्कुल ना दबाएं. पॉइंट्स को यूज करने से पहले अपने प्रैक्टिशनर से एक बार सलाह जरूर लें, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें. पॉइंट प्रेस करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी उत्पन्न होती है, फौरन अपने एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से सलाह लें, फिर आगे इन पॉइंट्स को यूज करें जैसे आपको एडवाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी यू नेक्स्ट टाइम.